हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का करियर पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके सामने आ जाने का केवल उद्देश्य केवल इतना था कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और जिस नोटिस में ये बताया गया कि जो NTPC के फॉर्म थे जो आपने 2019 में सबमिट किए थे और उसके एग्ज़ाम की तैयारियां आप चल रही हैं, बोर्ड ने अपनी एक डेट जारी कर दी है 15 दिसंबर से अब जो एग्ज़ाम कराने की बात कही गई है, तो उसके लिए बोर्ड अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है और उससे पहले उसने एक नोटिस जारी किया जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नोटिस की खास बात यह है कि जो आपने NTPC का फॉर्म सबमिट किया था वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हो गया है। इन दो बातों को जानने के लिए बोर्ड ने अपनी एक साइट मेंटेन करी और उस साइट को खोला है। आप इस पूरे नोटिस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप अपना एप्लीकेशन चेक कर पाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस नोटिस में कि नोटिस ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले जो फॉर्म पड़े थे जो आपने पिछली साल सबमिट किए थे उनका एप्लीकेशन स्टेटस जानने के लिए NTPC ने अपनी साइट ओपन करी है और उस साइट से आपको चेक करना होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है या फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है। तो ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन की लगातार तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है सबमिट हुआ है, तो ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। 21 तारीख से आपकी साइट ओपन हो जाएगी, आप अपने फॉर्म चेक कर पाएंगे कि आपका रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। तो सब लोग जिनने NTPC का फॉर्म सबमिट किया है ज़रूर चेक कर लें, इम्पॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए, इसलिए मैंने आपके सामने आना उचित समझा कि आपको आगे जानकारी दे दी जाए। तो 21 तारीख से अपने फॉर्म ज़रूर चेक करिएगा। बाकी आपकी तैयारियां चल रही होंगी एग्ज़ाम की, 15 दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और जनवरी तक चलेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे, लेकिन आप 15 दिसंबर तक का अपना टारगेट बना के चलिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। हम लोगों की तरफ से आपको क्लासेस दी जा रही हैं, 9 बजे डेली क्लास होती है, मैथमेटिक्स चल रही है, GK चल रही है, तो आप लगातार क्लासेस पढ़ते रहिए, बाकी अपनी बुक से पढ़ाई करते रहिए। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाओ भाई, टेलीग्राम में क्या है कि आपका PDF आ जाता है जो भी क्लास आपकी पढ़ाई जा रही है। GK की अगर मैं बात करूँ, GS में जो क्लास पढ़ाई जा रही है उसका तुरंत नोट्स आ जाता है, हैंड रिटन नोट्स जो भी होता है, तो चीज़ें को आपको पढ़ना चाहिए, आपके लिए सारी चीज़ें हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बाकी लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट सूचना थी तो आपको ये सामने आकर बताना उचित समझा। तो 21 तारीख से 30 तारीख तक साइट ओपन होगी, एक बार फिर से सुन लीजिए, 21 सितंबर से 30 सितंबर तक साइट ओपन होगी। आप अपना फॉर्म ज़रूर चेक करें कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ, चेक करने के बाद ही आप अपना कोई डिसीजन लें। जैसे आप तो तैयारी करते रहे NTPC की लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी कारण बस, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे अगर जिसका रिजेक्ट हुआ है तो NTPC की तरफ से आपको मेल या मैसेज ज़रूर आएगा, फिर भी अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो आप अपना फॉर्म ज़रूर 21 तारीख से चेक कर लें। चलिए, तो केवल इतनी सूचना आपको देनी थी, बाकी आप सब लोग अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इतनी सूचना के साथ आपसे मिलना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।